क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। खबर काफी ठंडा हो गया है क्रिकेट में, पर मैंने कहा एक सवाल है जो मेरे मन में भी था। मैं चाहता था कि आपसे भी उस पर बात किया जाए। खबरें आ रही है कि जो इंडिया के सेलेक्टर्स हैं और जो टीम मैनेजमेंट है वो सोच रहे हैं कि टेस्ट बॉलिंग अटैक में एक लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए। अब ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन होगा उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपके पास यश दयाल है जिस पर नजरें काफी टाइम से लगी हुई है क्योंकि वो लाल गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अर्शदीप सिंह को धीरे 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 कर कर लाल गेंद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में ए टीम के साथ गेंदबाजी की, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ थोड़े बहुत क्रिकेट खेली है, पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में लाल गेंद के साथ गेंदबाजी की है। खलील अहमद पिछले सीजन में पूरा मतलब लगभग पूरा सीजन खेले राजस्थान के लिए, तो उन पर भी नजर है। ये तीन गेंदबाज है जिन पर सबकी नजरें हैं। किनको होना चाहिए इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मेरा ये मानना है कि आपको पहले यश दयाल के पास जाना चाहिए क्योंकि वो कंसिस्टेंटली लाल गेंद से उत्तर प्रदेश के लिए खेलते आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है पर वो T20 क्रिकेट में की है और वनडे क्रिकेट में अभी अभी उनका समावेश किया गया है। तो आई वुडेंट रश अर्शदीप सिंह इनटू टेस्ट क्रिकेट बिकॉज मुझे लगता है अभी भी उनके पास वक्त है। पर मेरा ये मानना है कि यश दयाल जो है वो एक अच्छे उपयोगी गेंदबाज बन सकते हैं। पहले आपके जो तीन मेन गेंदबाज है टेस्ट क्रिकेट में, तेज गेंदबाज की बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में एट द एंड ऑफ द ईयर और अगले साल इंग्लैंड में जिनका काम होगा, पहले है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। ये सब जो है उसके बाद ही आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यश दयाल को आगे जाना चाहिए इस पूरे रेस में, पर सिलेक्टर शायद सोचेंगे कि चूंकि हर्षदीप सिंह खेलते आ रहे हैं तो उनको आगे करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि आपको जो है फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना चाहिए और आपको जो है सोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज की के तरफ जाना चाहिए। यश दयाल इसलिए मुझे लग रहा है कि अच्छे चॉइस हो सकते हैं। आपने पहले भी देखा था कि सिलेक्टर्स ने एक बार जयदेव उनादकट को पिक किया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उनको उन्होंने पिक किया था, लेफ्ट आर्मर थे। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होना चाहिए और जैसा देश वैसा भेस जैसे कहते हैं। तो ये है मेरा मानना और मुझे लगता है कि यही चीज होनी चाहिए सोच जब सिलेक्टर्स जो है अपनी टीम अनाउंस करेंगे बांग्लादेश सीरीज के लिए और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीन टेस्ट मैच है उसमें भी देखना पड़ेगा और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा तो लगभग 10 टेस्ट मैच है जनवरी तक, तो बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट है आने वाले दिनों में। तो ये सोच जो है सेलेक्टर्स की और टीम मैनेजमेंट की देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी मतलब इंडियन क्रिकेट को लेकर खबरें और विमेंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इंडिया ने तो मना कर दिया साफ तौर पर। यूएई और जिम्बाब्वे दोनों इंटरेस्टेड है इसमें और तो इसलिए 20 तारीख को अगस्त को डिसाइड होगा कि आखिर फैसला किस तरफ जाता है। और जहाँ तक बाकी खबरों में तो डिकवेला निरोशन डिकवेला को श्रीलंका क्रिकेट ने सस्पेंड कर दिया है डोपिंग वायलेशन की वजह से और वो थोड़े वक्त के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। एलपीएल में उन्होंने डोपिंग वायलेशन किया था तो उसकी वजह से पिछले साल इस साल रादर वो इसलिए सस्पेंड कर दिया गया उनको। और यूथ ओलंपिक गेम्स जो 2030 में होना है उसमें क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट जो है समावेश हो सकता है। ये तो थी खबरें क्रिकेट की तरफ से। पर मेरा सवाल फिर एक बार यही है, आप लोगों का क्या मानना है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खलील अहमद, यश दयाल या अर्शदीप या तीनों या कोई दो, क्या होना चाहिए आपका, आपकी चॉइस क्या है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाइए और जल्द से जल्द इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। गुड बाय फॉर नाउ।